उसने बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। ये बहुत सारे लोगों का चैलेंज है टालने के लिए। उनको बोल रहे हैं सर कोई बात नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं ना सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि आजकल ना पैसा किसी के पास भी नहीं होता है और आपका जो रीज़न है जेन्युइनली वैलिड रीज़न है। मैं 100 लोगों से मिलता हूँ उसमें से 90% लोग मुझे यही बोलते हैं सर कि उनके पास पैसा नहीं। सिंपल है, आप बिल्कुल सही हैं सर। क्या यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते, या और भी कोई रीज़न है? क्या सिर्फ यही रीज़न है या इसके अलावा भी कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते? नहीं नहीं और क्या रीज़न है, कुछ लोग बोलेंगे आपको, बस यही दिक्कत है पैसा नहीं है, पैसा आप दे दो। कोई तो बोलेगा, जब तक वो नहीं बोलेगा आपने आगे नहीं बढ़ना। तो यही रीज़न है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और जेन्युइनली ये बहुत सारे लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए सर, आज पैसा नहीं है कोई बात नहीं सर, सबके साथ हो सकता है, लेकिन जिस दिन कोई इमरजेंसी होगी, मेडिकल इमरजेंसी होगी, उस दिन भी पैसा नहीं होगा और इलाज कराना होगा, कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा ना सर, किसी ना किसी दोस्त से तो मांगना पड़ेगा, कोई ना कोई जेवर, कोई ना कोई गोल्ड, कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा ना सर। या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने में बिलीव करते हैं सर आप? या आपके यहाँ सरकारी में इलाज बहुत अच्छे से होता है सर? अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसे वर्किंग है आपके पास, तो इस योर विश सर, सरकारी में इलाज कराने पर भी 1-2 लाख रुपये बाहर का खर्चा लग जाता है, जो भी बड़ी सर्जरी बड़े कंसर्न होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं जिसमें खर्चा लगता है सर, और हेल्थ इंश्योरेंस 15-20 हज़ार 25 हज़ार में मिल जाता है, और हॉस्पिटल में इलाज आपकी नॉलेज के लिए बता दूं 50,000-1-2 लाख से शुरू होता है सर। 2 दिन 5 दिन 10 दिन एडमिट होकर जाके देखो, क्या किसी के परिवार में आप गए हों, किसी फैमिली मेम्बर से मिलने गए हों, कभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो, उससे पूछ के देखो हॉस्पिटल का बिल कितना आता है। हॉस्पिटल में इलाज कराना हमेशा महंगा होता है, पॉलिसी लेना बहुत सस्ता होता है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस आएगा कितने का, इसलिए उन्हें लगता है मेरे पास पैसा नहीं है। सर 10% से भी कम रेट में आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है। जितने का आप इलाज कराएंगे उससे 10-15% की कॉस्ट में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, आपका 80-85% पैसा बचता है। 100% खर्च करना या 15% में 10% में अपना इलाज करवा लेना, पूरे साल के लिए फैमिली का प्रोटेक्शन ले लेना। और ये कॉस्ट देख लो सर एक बार, राइजिंग कॉस्ट। आजकल कोई भी बड़ी बीमारी के खर्चे आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कैंसर के लिए 20-25 लाख भी कम पड़ता है सर, न्यूरो के लिए 40-50 लाख भी कम पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाए तो 35-40 लाख भी कम पड़ता है सर। और यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस आपको ये सब प्रोटेक्शन फ्री में दे रहा है, बहुत कम पैसे में दे रहा है, फ्री वाले रेट में दे रहा है, तो आपको लग रहा है पैसा नहीं है। मैं समझा पा रहा हूँ आपको अलग अलग तरीके से, इलाज के लिए मैंने बोला, बीमारी के लिए मैंने बोला, इन्फ्लेशन रेट के ऊपर बोला, आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा तुक्का किसके साथ बैठेगा। हो सकता है उसको कुछ बात आपकी समझ में आ जाए, हो सकता है उसको आपकी कोई बात समझ में आ जाए, समझ में आ जाएगी तो लेगा, नहीं तो टाइम देगा आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, करते हैं ना सर फाइनल। सर ये आपकी फैमिली है, परिवार आपका है, मेरा नहीं है सर। और आप अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं ये आपको इलाज के हिसाब से आप देख लीजिए। आप गवर्नमेंट में कराएंगे तो गवर्नमेंट वाला प्यार करते हैं, और अगर प्राइवेट में कराएंगे तो आप प्राइवेट वाला प्यार करते हैं, क्योंकि सर गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की तरह टेकिंग केयर होगा, एक एक बेड के ऊपर 2-2 3-3 पेशेंट होते हैं, नीट और क्लीनलीनेस नहीं होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको डर लगेगा मेरा अच्छे से टेकिंग केयर हो जाए, बढ़िया तरीके से इलाज हो जाए, मेरे बच्चे मेरे वाइफ मेरा और मेरा खुद का जल्दी से ठीक होकर बैठ चला जाऊं, ये सारे आपके हाथ में सर। दैट विल यू डिसाइड।